हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं और एक सवाल को लेकर के। दोस्तों हमसे फिर किसी ने पूछा कि ये बताइए कि 32 बिट और 64 बिट जो भी हम लोग विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं दोनों में क्या अंतर, हम 32 बिट यूज करें या 64 बिट या 64 बिट और 64 बिट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम जानेंगे कि 32 बिट और 64 बिट क्या होता है। नए हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो 32 बिट या 64 बिट होता है यह एक प्रकार का प्रोसेसर होता है। सीपीयू छोटा होता है, मतलब प्रोसेसर बहुत छोटा होता है, जो कि सीपीयू का या प्रोसेसर का बात दोनों 16 बिट होता था, फिर 32 बिट आया, फिर 64 बिट आया। दोस्तों अगर आप चेक करना चाहें 32 बिट और 64 बिट को, तो आप कंप्यूटर के आइकन पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यह 32 बिट है, 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और वहीं पर से प्रोसेसर भी चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं 32 बिट और 64 बिट। दोस्तों 32 बिट में अगर आप 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसमें मेमोरी एड्रेस और कंप्यूटनेस वैल्यू जो होते हैं वह कम होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि जो मेमोरी मतलब रैम के होल्ड करने की क्षमता होती है वह 32 बिट में कम होती है और 64 बिट में अधिक होती है। या अगर आप 32 बिट का यूज कर रहे हैं तो आप मैक्स 4 GB तक ही रैम को यूज कर सकते हैं, और अगर आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो मैक्सिमम आप 1 TB तक रैम को यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात और है यहाँ पे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो केवल और केवल आपके 64 बिट को ही सपोर्ट करते हैं या कुछ 32 बिट को सपोर्ट करते हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो दोस्तों 32 बिट के लिए x86 लिखा होता है, आप देख सकते हैं, और 64 बिट के लिए 64 बिट ही लिखा होता है। दोस्तों और एक बात और है कि जैसे आप सभी लोग जब एक बार लैपटॉप को लेते हैं या कंप्यूटर को यूज करते हैं तो लॉन्ग टाइम तक उसको यूज करते हैं, 1-2 साल तक के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग, हमारे साथ तो एक्सपीरियंस होता रहता है कि जैसे आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करेंगे, कोई भी, जैसे मैं फिल्मोरा का उदाहरण ले लेता हूँ, तो आपका जो भी विंडोज का अगर लैपटॉप है तो 64 बिट का ही होना चाहिए, तभी सपोर्ट करेगा या चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, आप उसमें नए विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और कैसे सॉफ्टवेयर कैसे विंडोज कैसे इंस्टॉल होता है आप आई बटन पर जाकर के हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।